गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं आप लोगों को क्लास फिफ्थ के लेसन वन स्ट्रक्चर ऑफ लॉवर के बारे में समझाने जा रही हूँ. सो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉवर एंड इट्स स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस चैप्टर में पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर सेकेंड है टाइप्स ऑफ अ फ्लावर एंड पॉलिनेशन इन तीनों के बारे में समझाऊंगी. पहले तो मैं आपको बताऊं प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक, यानी प्लांट में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें जानने चाहिए. तो प्लांट आर एसेंशियल टू द बैलेंस ऑफ अ नेचर एंड अ पीपल्स लाइफ. क्या पेड़ पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं, इस नेचर के लिए ज़रूरी हैं? तो हाँ, ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें भोजन नहीं मिल पाएगा. अगर भोजन नहीं मिल पाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. पेड़ पौधों के ही कारण हम क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं. तो प्लांट क्या हमारे नेचर को बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सेकंड मैं आपको कैरेक्टर बताऊं प्लांट का. तो प्लांट क्या करता है, ब्रीथ इन CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन. यानी प्लांट CO2 को लेता है ब्रीथ करने के लिए और ऑक्सीजन को क्या करता है, वो एयर में छोड़ देता है, ठीक है, रिमूव कर देता है. उस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अपने शरीर में हमारा शरीर ग्रो हेल्दी करने के लिए या हमें लाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. दो मैंने कैरेक्टर बताया. थर्ड है कि प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड. यस, प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू. और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस वह एक प्रोसेस है जिसके कारण पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की अल्ट्रावायलेट रेज प्लस CO2 जो एयर से प्राप्त होता है प्लस H2O यानी वाटर जो प्लांट के रूट से प्राप्त होता है. और पेड़ पौधे की पत्तियां किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती हैं. तो उस ग्रीन कलर की वजह क्या है, क्लोरोफिल. यानी क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है कि पेड़ पौधे की पत्तियों में वो पाया जाता है जो क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं. और वाटर, CO2 और सूर्य के प्रकाश, ये तीनों मिलकर और क्लोरोफिल साथ में क्या करते हैं, प्लांट खुद अपना भोजन बनाते हैं. और ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. कुछ हेटरोट्रॉफिक ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो अदर प्लांट्स यानी अदर ग्रीन प्लांट्स पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं. फॉर एग्जांपल पैरासिटिक प्लांट्स कुछ ऐसे जिसमें आ जाएंगे आपके मशरूम आ जाएंगे, इंसेक्टिवोरट्स प्लांट्स, इसमें पिचर जैसे प्लांट आ जाएंगे जो क्या करते हैं, कुछ तो दूसरे प्लांट से अपने प्लांट फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है. तो प्लांट के इतने कैरेक्टरिस्टिक हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. आपका चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. ब्लैक बोर्ड पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को ड्रॉ किया हुआ है. अब फ्लावर हम यहाँ प्लांट के बारे में नहीं पढ़ रहे, प्लांट से जो हमें फ्लावर मिलता है वो फ्लावर क्या है, वो क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से बॉडीज़ होते हैं, मेल पार्ट्स होते हैं या फीमेल पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है. आप यहाँ से देख रहे होंगे जो मैंने ब्लैक कलर से एक ड्रॉ किया है, वहाँ पर आपको थ्री पार्ट्स दिख रहे होंगे, 1, 2, 3. फर्स्ट ऊपर वाला जो टॉप वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है. क्या कहलाता है, स्टिग्मा. उसके बीच वाले मिडल वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ठीक है. और जो थर्ड में ओव्यूल यानी एक अंडे नुमा, छोटे छोटे अंडे नुमा आकार का एक पार्ट बना हुआ है, उसे हम कहेंगे ओवरी. और स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये तीनों मिलकर यानी ये
फूलों के बीच वाला जो पार्ट है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक पिस्टल नाम का एक पार्ट बनाते हैं। और ये पिस्टल नामक जो पार्ट होता है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। जिस तरह ह्यूमन बींग्स में मेल फीमेल, किसी भी अदर एनिमल्स में मेल फीमेल होते हैं, उसी तरह प्लांट्स में भी मेल फीमेल होते हैं। और ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने ब्लू कलर से कुछ अदर पार्ट्स को ड्रॉ किया हुआ है। तो जो ब्लू कलर वाला एक तंतुनुमा एक पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और उसके टॉप पर एक जो पार्ट बना हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। तो एंथर और फिलामेंट मिला के एक अलग पार्ट बनाते हैं, जिसका नाम है स्टेमेन। और स्टेमेन पार्ट क्या कहलाता है, फ्लावर का मेल पार्ट कहलाता है। मैंने कहा ना, जिस तरह लिविंग थिंग्स, जिस तरह एनिमल्स में मेल और फीमेल पाए जाते हैं, उसी तरह प्लांट में भी जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल प्लांट होते हैं। अगर मेल और फीमेल प्लांट नहीं होंगे, अगर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या हमें न्यू प्लांट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। एक प्लांट कैसे ग्रो करता है, वो ग्रो करता है एक स्मॉल सीड से, छोटे से सीड से वो ग्रो करेगा। और वो किस में कन्वर्ट होता है, टू बिग ट्री, एक बड़े पेड़ में वो कन्वर्ट होता है। इसका रीज़न क्या है कि यह मेल और फीमेल पार्ट अपना कार्य करते हैं फूलों के द्वारा। ठीक है, तो फूलों में ही मेल और फीमेल पार्ट्स पाया जाएगा। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलके एक पार्ट बनाएंगे, जिसे पिस्टिल कहेंगे, दैट इसे हम क्या कहेंगे, फीमेल पार्ट। और एंथर फिलामेंट एक पार्ट बनाएंगे, जिसे स्टैमेन कहेंगे, जो क्या कहलाएगा, मेल पार्ट कहलाएगा। यानी इसको याद करने के लिए छोटा सा, अंदर वाले जो अंडाणु वाला जो पार्ट है, वो अंदर वाला वो फीमेल पार्ट है, और बाहर वाला जो है वो मेल पार्ट है। अब देखिएगा, कभी कभी हम जब फ्लावर लेते हैं तो उसको कलर को देख के समझते हैं ना, कि कलर उसका बहुत अच्छा है, जैसे रोज़ हो गया, लोटस हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो फ्लावर्स के हम लोग किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके कलरफुल जितनी भी क्या होती हैं, जो फूलों के रंग बिरंगे चीज़ होते हैं, उस पर हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो वो उस रंग बिरंगे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। और जो फूलों का बेस होता है, एक जो ग्रीन कलर का पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, पेटल और सेपल प्लांट के क्या कहलाते हैं, अदर प्लांट्स कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी यह कितने टाइप्स के होते हैं, ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एक मेल पार्ट, एक फीमेल पार्ट, और थर्ड है अदर्स पार्ट। अदर्स पार्ट्स में आपका आ जाएगा पेटल, सेपल और पेडिकल। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं सेकेंड टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ अ फ्लावर, यानी फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं, उसे समझिएगा। हेडिंग में डाल रही हूँ टाइप्स ऑफ फ्लावर, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्लावर आर टू टाइप्स, फ्लावर आर टू टाइप्स। फर्स्ट है आपका इम्परफेक्ट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर, एंड सेकेंड है आपका परफेक्ट फ्लावर। सेकेंड क्या है, परफेक्ट फ्लावर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम क्या बता रही, इम्परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, परफेक्ट फ्लावर क्या होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैंने बताया ना कि फ्लावर में अगर मेल और फीमेल पार्ट भी होते हैं, तो ऐसे आप समझो इम्परफेक्ट फ्लावर क्या है, तो वो ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, यानी इन दोनों में से केवल एक अगर पार्ट उस फ्लावर में प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्परफेक्ट फ्लावर कहलाएगा। मींस ऐसे पेड़ पौधे के फूल, यानी ऐसे फ्लावर जिसमें केवल या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो, वो क्या कहलाएंगे, इम्परफेक्ट फ्लावर कहलाएंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, एग्जांपल आपका हो जाएगा कुकुम्बर, खाए होंगे आप लोग, वाटरमेलन,
बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें या तो मेल पार्ट्स पाया जाएगा या तो फीमेल पार्ट्स पाया जाएगा, और ये मेल और फीमेल पार्ट्स इन दोनों में से कोई भी अगर वहाँ पे होता है तो वो क्या कहलाएगा, इम्परफेक्ट फ्लावर कहलाएगा। कह सकते हैं अ फ्लावर दैट हैज़ आइदर अ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बट नॉट द बोथ प्रेजेंट, ये दोनों उपस्थित नहीं हो सकते। और परफेक्ट फ्लावर्स ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, जिस फ्लावर में, जिस पुष्प में मेल और फीमेल बोथ पार्ट, दोनों पार्ट अगर वहाँ पे उपस्थित होते हैं, वहाँ पे रहते हैं, जैसे मैंने ये बनाया है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, परफेक्ट फ्लावर हो गया। ठीक है, वह फ्लावर, वह पुष्प जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, वह क्या कहलाएगा, परफेक्ट फ्लावर कहलाएगा। इसका अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो इसका एग्जाम्पल हो गया रोज़, लीली, देखे होंगे ना कलरफुल फ्लावर्स होते हैं एट्सेट्रा, ऐसे फ्लावर जिसमें क्या होते हैं, इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक आपका आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पॉलिनेशन के समझने के लिए आपको फिर से फ्लावर के पार्ट्स को समझना होगा। मैं यहाँ पे एक पिक्चर और ड्रॉ कर रही हूँ, शॉर्ट में उसे समझिएगा। ठीक है, मैं केवल देखिएगा, मैं बीच वाला ही पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ आपको केवल समझाने के लिए, इसको अच्छे से पहले समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये मैंने ए फ्लावर बनाया और ये मैंने बी फ्लावर बनाया। अब पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है ये यहाँ पे समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिएगा, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे, क्या कहेंगे, एंथर। ठीक है, इसे समझिएगा, एंथर। तो एंथर के अंदर क्या मौजूद होता है, पॉलन ग्रेन्स होता है, क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एंथर के अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स होता है। ये क्या है आपका, स्टिग्मा। एंथर कौन सा पार्ट है, मेल वाला पार्ट है, और ये स्टिग्मा, स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट है। मैंने बताया था ना कि फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अब पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिसमें मेल वाले पार्ट्स के कुछ जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल वाले पार्ट्स पर चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, मेल वाले पार्ट्स यानी एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, फीमेल वाले पार्ट्स किधर, स्टिग्मा पर चले जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, पॉलिनेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल। ठीक है, यानी एंथर के पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर जाना पॉलिनेशन कहलाता है, जिससे क्या होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन होता है। अब कैसे होता है, ऐसे समझिएगा, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे, ये क्या हो गए, यहाँ के पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और जो यहाँ के पॉलन ग्रेन्स आए, ये अदर प्लांट है, ये बी प्लांट है, तो इसके भी जो क्या होंगे, यहाँ के भी पॉलन ग्रेन्स होंगे, ये भी तो एक एंथर है, ये भी तो इस साइड का एंथर है, तो एंथर के जो भी पॉलन ग्रेन्स होंगे ये क्या जाएंगे, ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे, जाएंगे ना, जाने के बाद ये क्या होंगे, ये जो छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं, ओवरी के पास चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, न्यू प्लांट का
ग्रोथ होता है या न्यू प्लांट का बर्थ होता है। अब ये पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है, तो जिसके थ्रू पॉलिनेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है उसे हम कहते हैं पॉलिनेटर्स। क्या कहते हैं? पॉलिनेटर्स कहते हैं। ये बहुत ईजी है। पॉलिनेटर्स क्या होता है? तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मेल पार्ट के पॉलन ग्रेन्स यानी एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के पास ले जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वो पॉलिनेटर्स के होता है। अब पॉलिनेटर्स में क्या क्या आपके आ जाएंगे, एग्जांपल समझिएगा, बैट्स, चमगादड़, बीज, मक्खी, मॉथ्स, इच्ची सी, बटरफ्लाई भी आपका आ जाएगा। ये क्या करते हैं, जैसी बात है, बीज, मक्खी हो गए, मॉथ्स हो गए, बटरफ्लाई हो गए, ये पेड़ पौधों के नेक्टर को सक करते हैं, यानी पेड़ पर फूलों के जो रंग बिरंगे ये पेटल वाला पार्ट है ना, पेटल वाला, यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनके